कलर देखिए और फिश भी हमारी बिल्कुल टूटी नहीं। सालन में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद है, जानने के लिए चले किचन क्लोजर में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में बड़े मजेदार से खाने बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, और मछली इसमें सबसे अहम अहमियत एक रखती है और सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है। सबसे पहले आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मछली को क्लीन कैसे करना है। सबसे पहले मैंने काला रहू लिया था, ये देखिए 2 kg का सालन आज हम बनाएंगे, और इसको मैंने आटा लगा के अच्छे से रख दिया था, और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लिया था। तो ये देखिए मछली हमारी जबरदस्त, ये देखिए साफ हो चुकी है बिल्कुल। आपको ज्यादा मेहनत वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी और मछली साफ हो जाएगी। चलें, ये तो हो गया इसको साफ करने का तरीका, अब इसको जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में फ्राई पैन रखा है, इसके अंदर मैंने डाले 6 tablespoons कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 teaspoon के बराबर नमक। अब इसको तेज गरम होने देते हैं। चले, जब तेल आप देखें गरम हो गया, तो ये फिश जो हमने ली हुई थी इसको हम इसमें डाल के इसको फ्राई कर देंगे। नीचे वाली साइड फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको छेड़ना होगा। एकदम से नहीं छेड़ेगा वरना मछली आपकी टूट सकती है। और आप पैन में उतनी फिश डालेंगे वो खुली खुली आ जाए, ज्यादा ओवरलोडेड ना कर दें। ये देखिए आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका सालन शानदार सा बनेगा। ये देखिए फिश हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह करके बाकी की सारी मछलियां मैं फ्राई कर लेती हूँ। कर लिया, जो इसका ये तेल बचा हुआ था अब ये दूसरे पॉट में डाल देते हैं। अब हम इसका तैयार करेंगे मसाला, बड़ा मजेदार और खुशबूदार सा। अब 1/4 cup कुकिंग ऑयल और डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें जो हम तड़का लगाएंगे मसाले में, सबसे पहले मैंने लिया है ये देखें मेथी दाना लिया है 1 teaspoon भर के, इसको थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ाने देते हैं। सारा मजा और सारी खुशबू और जायका इसी में ही है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मेथी दाना आपका एकदम से जल ना जाए। 2 tablespoons भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने देने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, धनिया पाउडर 2 tablespoon, नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। बड़े सिंपल और इजी से इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होते हैं बेसिकली से। बड़ी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 2 large size की प्याज ली थी, उसमें 2 medium size के टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट सा बना लिए, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दें। चलिए जनाब, अब हमने क्या करना होगा, मीडियम टू हीट पे इसको अच्छे से मसाले को हमने भूनना होगा। और आपने इसको लिड लगा के भी आप रख सकते हैं और चम्मच चला लें 1 से 2 दफा, और ये आपका मसाला जब दानेदार सा हो जाएगा, भुन जाएगा, इनके तेल इसके ऊपर आ जाएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मसाला हमारा जबरदस्त सा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 tablespoon दही के, और इसको डाल के अच्छे से दोबारा से भून लेते हैं। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना मजेदार सा आपका सालन बनेगा।
चलिए इसको एक से दो दफा और भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अब जबरदस्त सा रेडी हो गया, दही वगैरह सब अच्छे से इसके अंदर भून चुका है। आप देखिए कितना दानेदार सा हो गया और आप देखिए तेल इसके ऊपर इस तरह करके आ गया। अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे, चूल्हे को हमने थोड़ा सा हल्का कर लेना है, जो फिश हमने अब फ्राई की हुई थी वो एक एक करके स्लाइस इसके अंदर रख दी जाए। से जो इस टाइम पे गलती होती है वो ये होती है कि आप इसके अंदर खूब चम्मच चला के इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं। आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल गलत है, इससे मछली हमारी टूट जाएगी और बिखर जाएगी। अब हमने इस टाइम पे इसको हिलाना कैसे होगा, इस तरह करके इसके देखिए के हैंडल पकड़ के इस तरह करके हल्का हल्का सा इसको यूं करके हिलाना है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे क्योंकि हमें शोरबे वाला बनाना है। एक गिलास भर के हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली हुई थी, इसको हाथ में हथेली में इस तरह रख के दूसरी हथेली से क्रश करके ये देखें इस तरह करके इसके ऊपर हम यूं करके डाल देंगे और इसको लिड लगा के रख देते हैं मीडियम हीट पे कि फिश और मसाले में अच्छे से हमारा फिश भी पक जाए और मसाला भी उतर जाए। चलिए हम आपसे मिलते हैं 5 मिनट में, हमारा सालन तैयार हो जाए। चले जनाब 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुके, लिड लगा के हमने रख दिया था, 6-7 मिनट आपने इसको छोड़ देना। ये देखिए क्या मजेदार सा सालन हमारा तैयार हुआ। ये देखें हैंडल से ही हिलाएं, ये टिप फॉलो करें। ये देखें मछली के पीस आपको दिख रहे कितने प्यारे साबु साबु से। ये देखिए अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए शोरबे की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा शोरबेदार भी नहीं होना चाहिए। देखें बिल्कुल परफेक्ट सा सालन हमारा तैयार हुआ है। इसी रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपका भी ऐसे ही शानदार सा सालन तैयार होगा। चलें इंतजार किस बात का, जल्दी से इसको सर्व करें। मजेदार सा हमारा 2 किलो की मछली का सालन खाने के लिए तैयार है। इंतजार किस बात का, चाहे तो खमीरी रोटी से एंजॉय करें, चाहे तो स्टीम राइस के साथ। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।